यही घर में इतना ही दाना पानी लिखा था हमारा। अब हम ही घर में एक मिनट नहीं रुकेंगे। क्या कर रही हो? हम आपको जाने नहीं देंगे। बस बहुत हो गया। अरे दादी क्या कर रही हो? अरे इतना पुअर बना है। हाँ भागो यहाँ से, भागो। अरे दादी हम आपको कपड़ा पैक करने नहीं देंगे। तो ठीक है, हम खाली हाथ ही जाएंगे। बुलबुल तुम बाहर जाओ। अम्मा जी आप का ही करिए सब, ये आप ही का घर है, आप अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? जिस घर में हमारे बेटे का अपमान हुआ हो वो घर हमारा कैसे हो सकता है? हम ये घर में 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। अम्मा जी कहाँ चली गई हमारी चप्पल? हमने दादी को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा, हमें लगता है वो चली जाएगी। टिया चल शर्त लगाते, एक एक चॉकलेट की, दादी ना कहीं नहीं जाएंगी। मुस्कान दीदी लगता है इस बार आप शर्त पक्का हार जाओगे। टिया अब तक तो मैं कभी नहीं हारी हूँ शर्त, तुम्हें याद है ना तुमने मुझे कितने सारे चॉकलेट खिलाए थे? शालू दीदी आप परेशान मत हो, ये देखो हम दादी की चप्पल अपने साथ ले आए, वो इसके बिना कहीं नहीं जाएंगे, देखना। अम्मा जी अम्मा जी बात तो सुनी, हमने अभी अपनी बिटिया की शादी करने का मन नहीं बनाया ना, पिछले 14 सालों से जो आप लिफाफे देते आए हैं वो सभी के अंदर है, हमने एक पैसा नहीं खर्च किया है। ए बुनिया, अरे 16 दिन में कितना टाइम लगता है? ला रहे हैं भैया जी। चना बाबू ऐसे नहीं, चना बाबू आराम से बैठ के लीजिए। क्या बात है चना बाबू, कुछ बात हुई है? परेशान क्यों? कुछ नहीं बस ऐसे ही। ए सोना बाबू क्या परेशानी है? मैं जानती हूँ जब आप डिस्टर्ब होते हैं तभी दिन में ड्रिंक करते, अपनी ललिता को नहीं बताएंगे? ऐसी कोई बात नहीं, बस काम का चक्कर। कॉलेज में तो मजा ही आ गया यार। यार अब तो बहुत मजा आ गया। हाँ हाय डैड। हाय डैड। आ गए मेरे करण अर्जुन, तो कैसा रहा आज का कॉलेज? मॉम जैसा आपने बताया ना हमने ठीक वैसा ही किया, सारा का सारा इल्जाम उस प्रोफेसर और उसके बेटे पर डाल दिया और प्रिंसिपल ने भी हमारी हर बात पे यकीन कर लिया। कहाँ जोर था ये सब करने का है? तुम लोग कॉलेज पढ़ने जाते हो या लड़ाई करते? और ललिता जी आप भी बच्चों को काहे फालतू फालतू बातें सिखा रहे हैं? जामाई बाबू और लूली का माँ है, अपना बच्चा लोग का साथ तो देगा ना? किंतु आप फिकर मत करो, हम है ना, हम इन दोनों को समझाता है क्या सही है और क्या गलत है। हाँ चलो हमारे साथ चलो। आज मैं अपनी माँ से मिल गया था।
कंजू के घर। हम अपनी माँ से मिलने गए थे। कंजू के घर। क्या? आप रंजू से मिलने गए थे? मुंगेर गए थे? तो क्या वो यहाँ मुजफ्फरपुर में है? और आपकी माँ भी उसी के साथ रहती है? और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई गुड्डू जी? ऐसी बात नहीं है ललिता जी, हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। इतने सालों तक हम आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे और आपने हमारे आंखों में धूल झोंकी। इतने सालों से आप उस रंजू से मिलते आ रहे हो? रंजू? मॉमी रंजू कौन है? हाँ मॉम, कौन है ये और क्या किया इसने? बोली पापा, तुम लोग फिर इधर आ गया? तुमको पुनिया फुचका नहीं खिलाया? अरे नानी माँ, हम तो फुचका खा चुके हैं ना। अब ये बताइए कि ये रंजू का क्या इशू चल रहा है और है कौन ये? तुम्हारी दादी उसके साथ रहती है। किसकी दादी? तुम्हारी दादी और किसकी दादी?